देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को तेज करते हुए जमशेदपुर महानगर में देशव्यापी विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। भाजपा जमशेदपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने अभियान के संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा की। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता जनता से संवाद स्थापित कर 1 करोड़ से अधिक सुझाव पत्र जुटाएंगे और इन सुझावों को पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। अभियान के तहत जन कल्याण और विकास कार्यों को मोदी की गारंटी वाली रथों के माध्यम से अभियान के तहत सभी लोकसभा क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। एलईडी वाहन के जरिए जनता से सुझाव मांगने के साथ साथ लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी काम करेगी। ये संकल्प पत्र तैयार करने के लिए जनता के बीच जाकर उनके सुझाव को सुझाव पेटी के माध्यम से संकलित करेंगे। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश में भी इससे उन्होंने इस घोषणा की है कि जनता मालिक होती है, जनता की सरकार चलती है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। इसीलिए आम जनता के सुझाव, समाज में ऐसे लोग हैं जो लोग शिक्षित वर्ग प्रोफेसर है, डॉक्टर है, खिलाड़ी है, वैज्ञानिक है, हैं ये आम लोगों का सुझाव, आम जनता है, महिलाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के विभिन्न सेक्टर में काम करते हैं, वो लोग भी राष्ट्र के प्रति सजग रहते हैं। ऐसे लोगों का सुझाव साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी लोगों का सुझाव लेना है। और ये मत पेटी जो है, ये जो पेटी है, ये लगभग 6,000 पूरा भारत के हर लोकसभा क्षेत्र में इसको घुमाया जाएगा, इसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ये सूचीबद्ध होगी और इसी से निकला हुआ छना हुआ चीज़ों को हम लोग सूचीबद्ध करते हुए अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा उस पर हम लोग अंकित करेंगे। और ताकि उन लोगों का पिछले 10 साल का जो हमारे मोदी जी का गारंटी वाला योजना के साथ पूरा हुआ उसको देखते हुए अभी लोग क्या हम लोग आशाएँ रखते हैं जनता, उनका बात भी उस उन पर लिखित रूप में इसमें देंगे, ताकि आने वाला समय जनता के बीच में जो कठिनाई हो रहा उसको एहसास करते हुए हम ऐसे मैनिफेस्ट तैयार करें जो कि आम जनता की, और आगे चलकर जो 25 साल टारगेट रखा विकसित भारत की, और हम विरासत ऐसा विरासत छोड़ के जाएंगे आने वाले पीढ़ी को लेके, ताकि पूरा पूरी संपन्न राष्ट्र रहे और उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना। उसी के चलते आज ही से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका शुरुआत कर दी, और जनता को मालिक समझते हुए, जनता जनार्दन ही सब कुछ है, जनता ही सरकार है, ये विचार करके उन्होंने जनता का भी जाने का इसे कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे मैनिफेस्टो लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज लोग की चीज़ छूट जाते हैं, हो सके बहुत चीज आपके नॉलेज में है वो हमारा पास नहीं है, तो ऐसा बहुत उपकारी होगा। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे समाज में वैसे लोगों का, ऐसे बातों की मनोभावनाओं के साथ, और जो लोग इसको सोचते हैं, विचार करते हैं, राष्ट्र की निर्माण कैसे हो, समाज के लोग कैसे आगे बढ़े, अगर उनकी विचारधारा में हमारी विचारधारा और काम करने में सारा चीज़ एकत्रित हो जाएगी तो बेहतर राष्ट्र हम निर्माण कर सकते हैं।